यदि आप भी जानना चाहते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रमोशन किस प्रकार से होता है, कितने साल बाद आपको प्रमोशन मिलेगा, किस किस प्रकार से आपको प्रमोशन मिल सकता है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जय राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो देखिए आज बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रमोशन, कितने साल में आपको हेड कांस्टेबल का प्रमोशन मिल जाएगा, फिर उसके बाद एएसआई एसआई। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जब आपकी 10 साल की सर्विस हो जाती है कांस्टेबल के पद पर, तो आपकी सैलरी है 2400 ग्रेड के पे के हिसाब से स्टार्ट हो जाती है। हेड कांस्टेबल की जो सैलरी होती है 10 साल की सर्विस के बाद आपको कांस्टेबल की सैलरी, हेड कांस्टेबल की सैलरी मिलने स्टार्ट हो जाती है। प्रमोशन आपका 15 साल में होता है, 15 साल के बाद आपको प्रमोट किया जाता है हेड कांस्टेबल के पद पर। यदि उससे पहले आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हो, 5 साल की सर्विस के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। 5 साल की सर्विस होना ज़रूरी है, B1 का एग्ज़ाम बोलते हैं इसको। हेड कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल, ये मिनिस्ट्रियल नहीं होता आपका, एग्जीक्यूटिव रहते हैं हेड कांस्टेबल, B1 का एग्ज़ाम बोला जाता है इसको। इसमें आपकी 1600 मीटर की रेस होती है, जिनकी एज 30 साल तक है उनको 7 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना होता है, जिनकी 30 से अबव होती है उनके लिए 8 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना होता है। तो देखिए B1 का एग्ज़ाम होता है आपका, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स दे सकते हैं, 5 साल की सर्विस होना ज़रूरी है। इसके बाद आपका SI का भी फॉर्म निकलते हैं SSC के थ्रू, CPO का एग्ज़ाम होता है जो आपका, उसमें भी आपकी डिपार्टमेंटल की वैकेंसी होती है, उसमें भी 5 साल की सर्विस के बाद आप SI का भी फॉर्म भर सकते हो और डायरेक्ट कॉन्स्टेबल से आप SI प्रमोट हो सकते हो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के। तो देखिए बात करें हेड कांस्टेबल, जो कि आप 15 साल के बाद आपको प्रमोट मिलता है, प्रमोशन हो जाता है आपका 15 साल में हेड कांस्टेबल का, तो उसके 15 साल के 5 साल बाद जब आपकी सर्विस 20 साल की हो जाती है, तो आपको ASI 2800 ग्रेड पे की सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है आपकी। आपको प्रमोशन है ASI का 25 साल में मिलता है, 15 आपके हेड कांस्टेबल, फिर उससे 10 साल बाद आपको ASI का प्रमोशन मिलता है, फिर उससे 10 साल बाद आपको SI सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन मिलता है। जब आपके 30 साल की सर्विस हो जाती है, तो आपको SI सब इंस्पेक्टर की सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका प्रमोशन होता है। डिपार्टमेंटल भी आपके एग्ज़ाम होते रहते हैं, लेकिन आपका 5 साल सर्विस होना नेसेसरी है, तभी आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यही अपडेट थी, एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।